गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज है दिवाली और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी। आई नो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट गया है क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉग मेरे पेंडिंग थे, वो भी ब्लॉग मुझे अपलोड करने थे, वो अपलोड किए। और हाँ, ये जो मैंने काला जामुन बनाया था इसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये मैं आज सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। काला जामुन मैंने घर पे ही बनाया था, तो आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि काला जामुन की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए, तो इसी वजह से मैं रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर अद्विक को रेडी कर दिया था, सुबह का टाइम रेडी हो गया था, उपटन वगैरह लगा के अद्विक को रेडी कर दिया था। और वो जो पहले दिखाई वो उपटन की थाली थी, उपटन वगैरह लगाते टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी। और ये सुबह का टाइम है, मतलब सुबह मीन्स दोपहर का टाइम है, जब मैं खाना बना रही थी लक्ष्मी पूजन के लिए और सबके लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। और आप सभी को पता है मैं दिवाली के दिन पनीर की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, शाही पनीर बनता है दिवाली के दिन मेरे यहाँ पे। और आप लोग अगर मुझसे पहले से जुड़े हो, मतलब मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को सभी को पता होगा। और मैं बनाती हूँ जीरा राइस, पूरन की पोड़ी, मतलब पूरन की रोटी जो महाराष्ट्र में फेमस है, जो हर त्यौहार में महाराष्ट्र में बनाई जाती है, पूरन पोड़ी बनाई जाती है, तो वो बनाती हूँ। पकोड़े, वड़े, ये सारी चीज़ें, मतलब जो महाराष्ट्रियन है उनको पता है कि हमारा त्यौहार कैसा होता है। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ बनता है, जैसे होटल में जो भी खाते हैं हम लोग, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ पे त्यौहार में बनती है। तो यहाँ पर वही बन रहा था, जीरा राइस उबल रहा था उधर, और यहाँ पर मैं पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। तो बस पनीर फ्राई करूँगी। और पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी तो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है बहुत बार, क्योंकि मैं बहुत बार बनाती हूँ पनीर, और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग न्यू ज्वाइन होते हैं तो वो नहीं देख पाते हैं पिछली रेसिपीज़, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। बस सिंपल सी रेसिपी है, बस पनीर फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद अब मसाले वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, प्याज, टमाटो, तेज़पत्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें मसाले फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद वो मसाले ग्राइंड कर लेती हूँ, उसमें थोड़े से काजू वगैरह ऐड करती हूँ, और उसके बाद मेरी ग्रेवी रेडी हो जाती है। और बस यहाँ पर पनीर फ्राई कर लूँगी, ग्रेवी रेडी कर लूँगी, उसमें पनीर ऐड कर लूँगी, और बस मेरी जो पनीर की सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। और वहाँ पूरन पूड़ी वगैरह सारा कुछ बना के रख दिया था, बस अभी ये सब्ज़ी वगैरह ही बनाना बाकी था, तो ये बन जाएगा मेरा खाना। और थाली जो है मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी, जब मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगी, जो भी मैंने खाने में आज बनाया था वो मैं आप लास्ट में दिखाऊँगी। और बस थोड़ी सी मलाई ऐड कर दूँगी, एक्चुअली मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं था इसी वजह से मैंने मलाई ऐड की, आप कर सकते हो वैसे भी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, ज़्यादातर फ्रेश क्रीम लेके नहीं आती हूँ। तो बस यहाँ पर मलाई ऐड कर दी है, जीरा राइस भी बन गया है, और बस सारा कुछ यहाँ पर रेडी हो गया है। उसके बाद दिए लगाने की तैयारी करेंगे, मतलब दिए वगैरह में तेल डाल के रख देती है माही, तो यहाँ पर दोपहर में ही दिए में तेल डाल के रख देती है माही, क्योंकि फिर काफ़ी सारे दिए होते हैं ना, इतना बड़ा घर है उसमें पीछे भी दिए लगाने होते हैं, आजू बाजू में सारी जगह दिए लगाने होते हैं दिवाली के दिन, तो काफ़ी सारे दिए लगते हैं, तो इतने सारे दियों में तेल डालना, उसमें बाती डालना, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैं ये हर साल माही को ही काम दे देती हूँ, हर साल माही ही मुझे हेल्प करती है इस काम में। और आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग अगर आपने देखे होंगे तो दिवाली के, और बहुत सारे कामों में वो हेल्प करती है मुझे। एक्चुअली अभी रिनोवेशन चल रहा था तो बहुत सारे कामों में उसने हेल्प की मेरी, बहुत ज़्यादा समझदार है मेरे बेटे, और उसमें बहुत सारे कामों में हेल्प भी कर देती है मेरी। दियो में तेल डालना, दियो में बाती डालना, उसके साथ साथ दिए लगाना भी उसी का काम है, तो यही काम बहुत है यार, बहुत सारे दिए हो जाते हैं, इसी वजह से यही काम मेरा हल्का हो जाता है दिवाली के दिन में। ऊपर से इस बार तो बहुत ही ज़्यादा काम थे, तो आप लोग समझ सकते हो एक दिन में सारा कुछ कर कितना बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं शाम को रेडी होके। हैप्पी दिवाली बोलो सबको, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आपकी टोपी सीधी करो, अब बोलो हैप्पी दिवाली, आई लव यू, आई लव यू, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, एक्चुअली ज्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है कुछ भी, मतलब एक्चुअली हम लोग थक गए थे, इतने दिनों से काम ही काम कर रहे हैं, बट फिर भी रेडी होना था, रेडी होके लक्ष्मी का स्वागत करना था, इसी वजह से लक्ष्मी पूजन के लिए रेडी हुए हैं। और लक्ष्मी पूजन भी मतलब अभी होने ही वाला है, तो पूजा करने वाले थे, इससे पहले मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, सुबह से बात करना ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने सब कुछ सजा दिया है, अभी कुछ किया है मैं आपको दिखा देती हूँ, हम लोग इसके बाद पूजा करेंगे। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ पूजा करने के बाद, क्योंकि लोगों के पटाखे भी मतलब फूट रहे हैं लोगों के यहाँ पे,
और अभी बज रहे 7:30। एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी जल्दी से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो इस तरह से मैंने लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा रेडी की थी, इस तरह से स्वीट्स वगैरह रखे थे, और यहाँ पर हमारी मराठियों में इस तरह से पूजा वगैरह की जाती है, तो ऐसे पूजा वगैरह रेडी की थी, और उसके बाद हम लोग पूजा करने वाले हैं सब लोग। तो बस आपको दिखा देती हूँ एक बार मंदिर का लुक, मैंने सोचा चलो आपको जो भी रेडी किया है मैंने दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी। हमारे यहाँ पे ऐसे फड़ा बोलते हैं उसे, झाड़ू लाया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे झाड़ू को लक्ष्मी बोलते हैं, इसीलिए उसकी भी पूजा की जाती है। तो बस पूजा की थाली रेडी कर रही हूँ, सारे घर में धूप बत्ती और अगरबत्ती जला दी थी ताकि स्मेल अच्छी आए और घर का जो वातावरण है वो अच्छा बने, तो इसी वजह से सारे घर में दिए बत्ती और अगरबत्ती धूप बत्ती सारा जला दिया था। और उसके बाद अभी ये थाली निकाल के पूजा की तैयारी करेंगे, मतलब पूजा वगैरह करेंगे। तो पूजा हमारे साइड में ऐसे ही होती है, मतलब आरती वगैरह की जाती है, जो पूजा तो मैंने सबसे पहले ही कर ली थी और सिर्फ आरती करना बाकी था। तो परिवार के सारे लोग मिलके आरती करते हैं, लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं, उसके बाद इस तरह से मिठाई वगैरह देते हैं। हमारे साइड में ना किसी के घर में नहीं जाता है एक्चुअली मिठाई वगैरह देने के लिए, तो मतलब मैंने ना यूपी वगैरह में देखा है, हम लोग रहे हैं ना वहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा है कि मतलब ये जो पूजा वगैरह होने के बाद सब लोगों के घर में मिठाई देने जाते हैं या सब लोगों को मिलने जाते हैं, तो हमारे साइड में ऐसा नहीं होता है। हमारे साइड में क्या होता है कि हमारे घर पर ही जिस दिन लक्ष्मी आती है ना उस दिन हमारे हम लोग सब घर पर ही रहते हैं, तो इस तरह से हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, घर पे ही मिठाई वगैरह सब लोग खाते हैं। दूसरे दिन से हमारी मिठाई बांटना और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, तो ये दूसरे दिन होता है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पर आरती वगैरह पूजा वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, तो ये मैंने इनको शूट करने के लिए बोला था, तो ये उन्होंने शूट किया है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने रंगोली बनाई थी, आगे भी सामने रंगोली बनाई थी, उसमें सिर्फ एक दिया ही जलाया था, और ये जो रंगोली बनाई थी मैंने सिर्फ 5 मिनट में बनाई थी, बिल्कुल टाइम नहीं था यार मेरे पास, आपको दिखा नहीं पाई, बट बहुत सारे काम थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और उसके चक्कर में मैंने 5 मिनट में ये रंगोली बनाई। मुझे इतने अच्छे से रंगोली नहीं आती है, जैसे भी बनाती हूँ काम चल जाता है मेरा। तो यहाँ पर जो समई मैंने लाई थी न्यू वाली, तो वह मैंने यहाँ पर लगा दी थी, और उसके बाद यहाँ पर सारी जगह दिए ही दिए लगाए थे, और ये जो ग्लास को पेपर लगाया ना, यहाँ पर स्प्रे पेंट हुआ था ये वाली डोर फ्रेम को, इस ये दोपहर में हुआ था ना, तो ये पेपर वगैरह नहीं निकाले थे, और अंदर कुछ इस तरह से हम लोगों ने डेकोरेट किया था ये वाले टेबल को। पिछले ब्लॉग में मैंने ये दिए वगैरह आपको दिखाए थे, ये सारी चीज़ें दिखाई थी, तो आपको को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो ये मैंने ऑनलाइन परचेस की है, इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें परचेस की है ऑनलाइन, बट जो मुझे अभी मिली थी और जो मैंने लगाई थी वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जैसे कि ऊपर एक झूमर लगाया था, वो भी मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, और आप लोग काफ़ी सारे लोग लिंक मांग रहे थे सारी चीज़ों की, तो इसी वजह से मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारी चीज़ें मैंने ली है होम डेकोर की, तो वो मैंने ली है बुलबुल ऐप से, और यहाँ पर ना इस ऐप में आपको सारे प्रोडक्ट्स के वीडियो देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसी वजह से आपको उसी टाइम कन्फर्म हो जाता कि चीज़ कैसी है, मतलब आपके पास कैसी आएगी, तो आपको घर पर आने के बाद वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप वहाँ पर ही कंफर्म कर सकते हो कि आपके पास चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही आएगी। यहाँ से मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, और कुछ मुझे दिवाली से पहले मिल गए थे, कुछ मुझे दिवाली के बाद मिले हैं, क्योंकि मैंने थोड़े से लेट ऑर्डर किए थे इसी वजह से। तो जो भी मुझे दिवाली के बाद मिले हैं तो वो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी जो भी मैंने लगाया है, जो भी मुझे मिले हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये तो पहले की ही है, तो ये आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये टीवी यूनिट बना था, ये जो एरिया है बेसिन एरिया ये भी आपने देख लिया है, ये कुछ इस तरह से बना था। तो ये इसमें का लाइट लाने के लिए भी टाइम नहीं मिला यार, मतलब इतना बिजी हो गए थे हम लोग, घर में इतने सारे काम थे कि बाहर जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, और बाहर की कुछ चीज़ें लाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। कैसे तैसे हमने साफ़ सफाई की, दिवाली अच्छी मनाई, और कुछ इस तरह से हमारा घर डेकोर हमने की। तो आप देख सकते हो ये एरिया भी आपने दिखा हुआ है, कुछ इस तरह से है, आगे का इन्होंने नहीं दिखाया, जो भी हमने डेकोरेट किया था वो दिखा दिया है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरी बेडरूम बनी है, ये भी यहाँ के कर्टन्स भी लगाना बाकी है, तो वो तो सब हम बाद में कर ही लेंगे। और यहाँ पर ये जो बेडशीट है वो भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है,
और मेरा ना बुलबुल ऐप पे स्टोर है, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो। उस स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और वहाँ से ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब जो मैंने ऑनलाइन परचेस की है वो जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और उसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, आप चेक कर लेना। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मेरे टाइटल पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको मेरे स्टोर का लिंक मिल जाएगा, जो बुलबुल ऐप पे मेरा स्टोर है। और वहाँ से आपको जो भी मैंने चीज़ें दिखाई है आपको, वो आप लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग दिवाली के पटाखे फोड़ रहे थे, और हाँ, ये जो मैंने दिवाली पे ड्रेस पहना था तो ये भी मैंने वहाँ से ही लिया है, क्योंकि माही का ड्रेस और मेरा ड्रेस मैचिंग हो रहा था। मैं साड़ी पहनने वाली थी एक्चुअली, बट ये वाला ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था तो ये मुझे टाइम पे मिल भी गया था और मैंने वही पहन लिया। फिर अगर आपको ये भी अच्छा लग रहा हो तो आप स्टोर पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। पर हम लोगों ने स्वीट्स खाए थे और बच्चों को ना इतने ज़्यादा स्वीट्स पसंद नहीं है बाकी के, तो इसीलिए बच्चों के लिए इन्होंने ये फेरेरो रोचर का था, तो वही वो ओपन कर रही है, अद्विक को भी देगी, खुद भी खाएगी और उसके बाद हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो पटाखे निकाल रहे हैं, कुछ ही पटाखे निकाल रहे हैं जो इन्हें अभी फोड़ने हैं। तो ये जो पटाखे हैं अभी फोड़ेंगे, मतलब इसमें से कुछ ही फोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिवाली के दिन इतने सारे पटाखे लोग फोड़ते हैं और उसमें इतना सारा पोल्यूशन हो जाता है, और बच्चे कहाँ मानते हैं यार, मतलब बिना पटाखों की तो दिवाली मनाती ही नहीं है। तो बच्चों के लिए लाने पड़ते हैं पटाखे, और बच्चों के साथ साथ हम भी थोड़ा सा फोड़ लेते हैं ना, इन्जॉय करते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और हम लोग ना ये वाले टब में चक्री और अनार ये वाले टब में ही जलाते हैं, और ये ना टब कूलर का है। पटाखे या चक्री अगर आप इसमें फोड़ते हो ना, तो वो मतलब आपके टाइल्स वगैरह गंदी नहीं होती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती चक्री से, तो इसी वजह से हम लोग ऐसे ही टब रख देते हैं, ये इसी में हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, चकलाते हैं, अनार वगैरह जलाते हैं, तो ये हम इसी में करते हैं ताकि टाइल्स हमारी ख़राब ना हो और दिवाली भी अच्छे से मन जाए। तो बस चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा दिवाली ब्लॉग को, अगर किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।